और उनके भाई की डांसिंग मस्ती। भाई बहन का अटूट रिश्ता। कभी मीठा तो कभी नमकीन। कभी प्यारा तो कभी नखरीला। ऐसा ही रिश्ता है उड़ने की आशा की जूही यानी कि परी भट्टी और उनके भाई ओजस का। और अब तो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का मौका भी आ गया है। ऐसे में सास बहू और बेटियां संग परी भट्टी निकली है अपने भाई के लिए राखी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई के लिए स्पेशल राखी खरीदना बहन का पहला कर्तव्य जो होता है। त्योहारों की हो चुकी है शुरुआत और आ चुका है रक्षाबंधन का पर्व, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आपकी प्यारी जूही यानी की परी। तो पहले तो बताइए यहाँ क्या क्या होने वाला है आज? तो आज हम यहाँ पर लेंगे बहुत सारी राखियाँ, देखेंगे बहुत सारी राखियाँ और मेरे भाई के लिए क्यूट सी राखी लेंगे एंड उसमें मेरी हेल्प करेंगे मेरे पापा, ये मेरे डैड। हाय एवरीवन। तो मेरे भाई को गेमिंग बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए कुछ गेमिंग वाली राखी लूँ। छोटे होते तो वो कोई भी राखी दे दो उसे, जैसे मिनियन दे दो, डोरेमोन दे दो, शिनचैन उसको वो पसंद था, बट अभी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है जॉब, बिकॉज उसके लिए एक अच्छी सी राखी चाहिए, तभी एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी राखी के ऑप्शन हैं। मुझे एक्चुअली मेरे कजन्स के लिए भी राखी लेनी है तो वो भी लेंगे। तो अभी सबसे पहले मेरे छोटे भाई के लिए देखते हैं, उसके लिए पापा हेल्प करो, कौन सी गेमिंग की राखी देखें हम लोग? बेटा मैं तो बोल रहा हूँ QR कोड वाली ले, पॉकेट मनी मांगते हैं। गाइस ये देखो QR कोड वाली राखी, पापा बोल रहे हैं ले लेती हूँ, पॉकेट मनी मांगता है तो सीधा इस पे ही दे देंगे उसको, लेकिन जोक के लिए अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा गिफ्ट चाहिए तो अच्छी राखी चाहिए। ये तो बहुत बड़ों का डिज़ाइन हो गया, मिनियंस, बट मिनियंस ये बहुत क्यूट है, देखो इसमें पॉपेट भी है, बट लेकिन ये छोटे बच्चों का हो गया, वो बड़ा हो गया है, बोलता है बड़ों वाला, अभी जिम भी जाएगा तो थोड़ा वैसा अच्छा राखी देना पड़ेगा। ये देखो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, नहीं ये है आई थिंक कोई किंग है कुछ तो है, बहुत मिनियंस के ऑप्शन है गाइस, मिकी माउस है, राधा कृष्णा नहीं बाल कृष्णा, ओ माय गॉड सो क्यूट, एंड ये रहा छोटा भीम एंड चुटकी। अब हम आगे देखते हैं, इधर भी बहुत ऑप्शन है, ये देखो तो ये मेरे को अच्छी लग रही है, इवेल आई राखीज है, बट फिर बहुत छोटी है एंड आई डोंट थिंक उसे पसंद आएगी। पापा ने ये दी है गणेश जी, बहुत अच्छी और सुंदर राखी लगी मुझे ये मैं एक्चुअली मैं भगवान को भी राखी बांधती हूँ, मेरे जो एक बाबा जी हैं कुल देवता है तो मैं उनको भी राखी बांधती हूँ, तो मैं उनके लिए भी एक क्यूट सी राखी लूँगी, तो उसमें मेरे को अच्छी लग रही है बहुत, तो ये एक ऑप्शन है। गाइस ये भी बहुत क्यूट क्यूट राखी हैं, मतलब मेरे को अच्छी लग रही है बहुत, इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड बीडिंग्स भी बहुत क्यूट है, बट फिर इसमें फन नहीं आ रहा जो मेरे को चाहिए। ओ पिंक, आप ये वाली दिखाना, ये वाली लेफ्ट वाली, ये जो सामने है, यस व्हाट इज दिस, वैसे कुछ डिफरेंट लग रहा है, देखो एस्ट्रोनॉट है बट एस्ट्रोनॉट किस वे का है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके बीच में एक बॉल आई थिंक वो हिलती होगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्यूट राखी है, मेरे छोटे भाई के लिए ले सकती हूँ मैं, मतलब वो बहुत छोटा है उसके लिए ले सकती हो।
ये एक ऑप्शन में रख लेते हैं इधर। और बताओ पापा, वो जिसके ये है भगवान जी के लिए मेन राखी। आज हमारा जो मोटो है वो है मेरे छोटे भाई के लिए राखी ढूंढना, क्योंकि मुझे अच्छा गिफ्ट चाहिए गाइस। एंड उसको ओह माय गॉड, ये देखो सो क्यूट, ऐसा एकदम कार्ड है ये, ऐसे बंद और खुलता है, बहुत इनोवेटिव है। एंड एक न्यू चीज़ मैंने देखी आज, ये भी बहुत क्यूट है पापा, देखो नहीं इसके लिए ये, ये भी ईवल आई वाली राखी है, बहुत ईवल आई वाली राखी दिख रही है आजकल, समझ नहीं आ रहा ईवल आई वाली लू कि नहीं। पापा ने अभी बताया कि उनके टाइम पे ऐसी राखी आती थी पापा, ऐसी राखी, ऐसी सिंपल सी राखी होती थी, बड़ी वाली राखी होती थी, बहुत बड़ी वाली, फूल बना दो इतनी बड़ी ऐसी स्पॉन्ज की। हां क्योंकि आजकल तो ऐसी एकदम देखो स्लीक क्यूट सी राखी आने लगी है, इंडिपेंडेंस डे टाइप राखी भी है, इधर रुद्राक्ष राखी भी है, एंड इधर ओम राखी भी है, स्वास्तिक भी है। ये बहुत क्यूट है, जब आपको भगवान को राखी बांधनी होती है बहुत अच्छा लगता है। एंड सिंपल वाली भी ले ले एक दो इंडिपेंडेंस डे, ये बहुत क्यूट लग रहा है। तो गाइस मेरे भाई को खाना बहुत पसंद है, बहुत क्यूट राखी है, मतलब मन कर रहा है यही ले लूँ एक, ये भी अच्छा है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने में, हल्क भी है, हल्क सो नाइस, हल्क ले सकते हैं आई थिंक। तो अभी मैं दो ऑप्शंस में से एक चूज करती हूँ, आपको बताती हूँ। भाई मार्केट में तो एक से बढ़कर एक राखियाँ हैं, भाई छोटा हो या फिर बड़ा, सभी के लिए उनके अनुसार राखी का डिजाइन मिल ही जाता है। और परी भट्टी ने अपने भाई ओजस के लिए राखी चुन ली है। तो हमने ये तीन राखियाँ चूज की है, ये एक भगवान को बांधने के लिए एंड दो मेरे भाई के लिए, क्योंकि मम्मा ने बोला एक राखी नहीं लेके जाते, तो हमने दो ली है। तो ये देख के मुझे मेरे भाई की याद आ रही थी, तो मैंने राखी ले ली एंड ऐसा एकदम क्यूट सा। एंड उसको जिम भी जाना है, तो मैंने कहा हल्क ले लेती हूँ मोटिवेशन देने के लिए, तो मैंने हल्क भी ले लिया। तो ये दोनों क्यूट सी राखियाँ उसके लिए। के लिए राखी का चयन कर परी पहुंच गई है अपने घर और कर रही है तैयारी इस पावन पर्व को मनाने की, और इन्हें इंतजार है अपने भाई ओजस का, जिसे आते ही मिल जाता है बेहतरीन सरप्राइज। बताओ मैं सरप्राइज क्या है? वाओ कितनी अच्छी राखी है मेरे लिए, एक है हल्क एंड एक है हैरी पॉटर, ये तो मेरा फेवरेट है। तो इन दोनों में से कौन सी राखी? दोनों मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन हैरी पॉटर ज़्यादा अच्छी है। हैरी पॉटर उतार कर माथे पर टीका लगा कर कलाई में अपनी पसंदीदा राखी पहना कर और मुंह मीठा करा कर परी ने अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया है।
अब उन्हें इंतजार है अपने भाई की तरफ से आने वाले गिफ्ट का। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, उसके लिए इतनी अच्छी राखी लाकर उसे पसंद भी आ गई। अब देखते हैं वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया। गिफ्ट? हाँ है ना गिफ्ट। खाली है। गिफ्ट? गिफ्ट किधर है? मैं इतनी मेहनत करके राखी लेके आई, गिफ्ट किधर है? बस इतना ही। ये ले ले। सिस्टर इज एन वर्ड बट मोटी इज एन इमोशन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना भुलाना। भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है जिसमें ढेर सारा प्यार भी होता है और ढेर सारी तू तू मैं भी। और जब एक दूसरे की पोल खोलने की बारी आती है तो चाहे भाई हो या फिर बहन, कोई भी चुप रहने का नाम नहीं लेता। तो ये छोटे तो मुझे बहुत, मैं इसे बहुत मारती थी, अब जब बड़े हो गए तो ये मुझे बहुत मारता है। बस यही है मुझे तो मारना। वो एक्चुअली अगर कुछ टेक्निकल कुछ काम हो जो मुझे नहीं आता वो ये करके देता है, और ये एक्चुअली हर चीज़ को परफेक्शनिस्ट की तरह करता है, ख़त्म करता है उस चीज़ को। जबकि मैं हूँ, मैं बीच में कभी कभी छोड़ देती हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द काम ही करके देता है। ये पूरे दिन मतलब शूट पे ही रहती है और मतलब घर आके भी फिर पढ़ाई भी करती है। जो पूरा दिन ये गेम खेलता है तो थोड़ा पढ़ भी लिया करे। ये मतलब पूरे दिन सोती रहती है और बेड पूरा भरा है, ये अपना फुट पिलोज रखती है इतने सारे और सोती रहती है पूरे दिन। मतलब मुझे बस डांटती रहती है, मम्मी से ज़्यादा तो यही डांटती है मतलब। अब वो नहीं डांटते तो मुझे डांटना ही पड़ता है। अब क्योंकि हम दोनों का सेम रूम है तो जब मुझे सोना होता है तभी अपना पीसी लगा के बैठ जाता है, और फिर जब इस मेरे को खेलना होता है, मुझे पढ़ना होता है, तब भी पीसी पे बैठा होता है। तो ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है इसकी। मैं खेलता ही कहूँ पूरे दिन तो यही लगी होती है मेरे पीसी पर। एक बात बता, मैं पूरा दिन सोती हूँ या खेलती हूँ? एक चीज़, जितने देर उठती है फिर सोती है, और जब टाइम मिलता है छुट्टी के दिन आधा टाइम मेरे पीसी पर, आधा टाइम सोना और फिर आधा टाइम चीखना। ओए रब्बा। मेरा भाई शैतान होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है, तो इसे पेन स्पिनिंग बहुत अच्छी आती है, तो उसने अपने लिए पेन जैसे मंगवा रखे हैं स्पिनिंग पेन, जरूर ऐसे स्पिनिंग करता है। ये एक्चुअली बहुत कूल है देखने के लिए और मुझे भी बहुत पसंद है। दीदी आपके लिए एक चैलेंज है, इसको घुमा के दिखाओ। हाँ ठीक है, ट्राई करती हूँ। नहीं हो रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। सास बहू और बेटियाँ के साथ हमें ये सेगमेंट करके तो बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया हो और अच्छा लगा हो देखने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताना। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। हैप्पी रक्षाबंधन। भाई परी ने तो अपने इस रक्षाबंधन के त्योहार को अपने भाई ओजस और सास बहू और बेटियां संग स्पेशल बना लिया है, लेकिन ये स्पेशल और तब होता है जब होता है भाई बहन का मस्ती वाला डांस। इसी के साथ सास बहू और बेटियां परी से कहता है अलविदा और उम्मीद करता है कि सभी भाई बहन इस रक्षाबंधन के त्योहार को इसी प्यार से मनाएं और खूब सारा डांस करें।
मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं रक्षाबंधन का ये त्योहार आप सबके साथ और लेकर आ रहे हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।